हाय गाइस, मैं आप लोग का सुनील कुमार साहू SKS सर, मैं आप लोग के सामने में एक खास वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग को यह बताएगा एग्जामिनेशन टाइम में स्ट्रेस को कैसे स्ट्रेस जो आपको एग्ज़ाम को स्पॉइल कर देगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो साल भर स्टडी तो करते नहीं हैं, जब एग्ज़ाम का एक महीना 15 दिन 20 दिन जब बाकी रहता है तो उस वक्त में उनको ख्याल आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? इसके होने का वजह यह है, गार्जियन प्रेशर, टीचर का प्रेशर, कंपेनियन लोग का प्रेशर, सोशल प्रेशर, यहाँ तक कि बहुत सारे वीडियो से, अचीवमेंट से उन लोग को एक आइडिया मिलता है क्या कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ब्रांडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ऑनर्स नहीं मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में एक अफवाह फैलेगा कि आपका परसेंटेज कम आया। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं भाई, हमको किसी तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम को क्लियर करने की वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जम जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप प्रेशर में आइएगा, सपोज मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टारगेट अचीवमेंट कर लिए हैं, आपको क्या लगता है आप 80-70 या समथिंग 50-40 परसेंटेज अचीवमेंट कर लीजिएगा? नहीं, आपकी जो एबिलिटी है आप उतना ही मार्क्स ऑप्टेन कीजिएगा, ये गारंटी है। तो गारंटी है ये, चाहे आप जो कुछ भी कर ले, जितना भी पापड़ बेल ले, आपका मार्क्स आपके एबिलिटी के अनुसार ही आता है। हाँ, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूं, सिलेबस को मैं स्टडी कर लूं नहीं हो सकता, तो किया कैसे जाए? हाँ, समय आपके पास बहुत कम है, मैं आपको कुछ खास टेक्निक दे रहा हूँ जिसका आप अप्लाई कीजिए, अपने डे बाय डे लाइफ में इंस्टॉल कीजिए, जिससे कि आपका इजिली एग्जामिनेशन हॉल में आपके एबिलिटी के अनुसार मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन किया जा सकता है। तो वो टिप्स आप थोड़ा, पहला नंबर टिप्स, सबसे पहले तो आप उन दोस्तों के संग मिलना जुलना, बैठना उठना बंद कर दें, जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड आपको हमेशा सुबह शाम तक मिलता तो है, दिमाग में हमेशा क्या करता है ना, उल्टा फुल्टा बात, जैसे कि हमेशा रोते रहेगा, भाई ये नहीं पढ़े, भाई वो नहीं पढ़े, भाई ते तो अच्छा खासा पढ़ रहा है। रखिएगा, नेगेटिविटी पर्सन से अगर मिलिएगा तो वो बंदा भी आपको नेगेटिव बना देगा। आपके अंदर अगर 1% भी पॉजिटिव है तो वो बंदा आपको, हम तो डूबे सनम, ते को भी लेकर डूबे सनम। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव पर्सन। आपके पास टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा कर कोशिश करें कि आप उन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिसमें आपको डर लग रहा है। वट एवर वह सब्जेक्ट, आपका हार्ड हॉबी हो सकता है, आपका फेवरेट भी हो सकता है। दूसरों की बातों पे ना आए कि कम टाइम है, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, साल भर तो आप पढ़े नहीं, तो अब कम समय में आप ज़्यादा पढ़ के क्या साबित करने वाले हैं? यू आर द वेल स्टूडेंट, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट, यू आर लॉजिकल स्टूडेंट, नथिंग। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप स्टडी को ब्रेक करके पढ़ें। सपोज मान लीजिए कि इवनिंग टाइम में 6 PM में आप स्टडी बुक को टेक आउट करके बैठ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, क्वेश्चन को टच करते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि आप उस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन आंसर को थॉरली रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जितना नज़दीक टाइम रहता है तो ज़्यादा लर्निंग का प्रोसेस को अप्लाई मत कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए आखिर में वो क्वेश्चन, वो टॉपिक आपको कहना क्या चाहता है। क्योंकि अगर बहुत सारा क्वेश्चन, सपोज मान लीजिए कि 15-20 क्वेश्चन आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ आपको इंपॉर्टेंट मिला होगा, आप सभी क्वेश्चन को लर्निंग करने का चक्कर में अगर चले जा रहे हैं कि हम उसको रट्टा मार ले, एग्ज़ाम में जाकर छाप दूंगा, यह प्रोसेस सही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा, सारा लर्न किया हुआ चीज़ आप एग्ज़ाम में पूरा डब्बा गोल। उस वक्त में क्या कीजिएगा, क्या आप उस वक्त में कुछ कर पाइएगा? आप उन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड मत रहें जैसा कि वे लोग बहुत सारे इलीगल मेथड का इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, चीटिंग मारना, डॉट डॉट करना, अगड़म बगड़म, इधर उधर ताका झाकी। आप अपने बलबूते पे लिमिटेड क्वेश्चन को तैयार करके जाए कि कम से कम एग्ज़ाम में नहीं 90%, नहीं 70%, कुछ एक एवरेज मार्क्स लाकर भी
हम कम से कम अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को या अपने आप को एक तसल्ली तो दे पाएंगे कि हाँ मैं अपने एबिलिटी के अनुसार इतना परसेंटेज एग्ज़ाम में टच किया। फिर लास्ट का आड़ में अगर आपको किसी प्रकार का किसी तरह से भी अगर हेल्प लेना पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, तब लीजिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे जैसे नज़दीक दिन आ रहा है, तो आपकी ना स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है जानते हैं? आपका पेरेंट्स, और सेकेंड ऑफ ऑल आपका नेगेटिव पर्सन स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड। तो हम तो यह कहना चाहते हैं कि आप पेरेंट्स से यह कहिए कि पापा हम पास होके दिखाऊंगा बस। और ज़्यादा कर कोशिश करें कि नेगेटिव स्टूडेंट लोग से ज़्यादा ना मिले, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कि पता चला कि आपका जो भी अचीवमेंट है, जो भी है, वो आप भूल जाइएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, आप लास्ट मोमेंट में इजी लैंग्वेज वाला बुक्स, टेक्स्ट बुक, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल करें। बुक को थॉरली रीड कर रहे हैं या किसी का नोट्स को पढ़ रहे हैं, पूरा एक पेज आपको समझ में नहीं आ रहा, जो जो पॉइंट्स आपका समझ में आ रहा उसको मार्जिन करें, उसको डार्क सर्कल कर दें, उसको मेमोराइज करें, कि लिमिटेड नॉलेज अगर एग्ज़ाम में लेकर जाए, आपके अंदर एबिलिटी है, कम नॉलेज लेकर जाइए एग्ज़ाम में, आप भूलिएगा नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा वो खुद अपने आप उसे एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको मार्क्स मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड हार्ड वर्ड, हार्ड हार्ड सेंटेंस, हार्ड हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप मार्क्स को अचीवमेंट करें। हमेशा याद रखिएगा, ये प्रोसेस एकदम सही है, लेकिन आपका टाइम भी तो वेस्ट स्पेंड हो चुका है। आप साल भर केयर नहीं किए, अब लास्ट मोमेंट है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर दीजिएगा। सपोज़ मान लीजिए किसी टीचर ने कहा कि अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको मार्क्स मिलेगा, कभी ये चीज़ सोचें कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप उसको समझने का कोशिश कीजिए, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है? और हमेशा याद रखिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक क्या कीजिए, स्लीप कीजिए। सपोज मान लीजिए कि आपके पापा का कहना है कि सुबह 4 बजे भोर में उठ के पढ़िए। किसी कारणवश अगर 4 बजे भोर में आप नहीं उठ पाते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठने के बाद में आप फ्रेश मत होइए। आप क्या कीजिए, वहीं पर बिस्तर पे ही क्या कीजिए, अपने बुक को टेकआउट करके आप वहीं पर स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका एक एक आवर जो है बहुत ही प्रेसियस है। दिन में आप कोई एक फिक्स टाइम मत बनाइए कि इस टाइम में पढ़ूंगा, उस टाइम में पढ़ूंगा, जब आपकी इच्छा करे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। क्योंकि आप कम ही मार्क्स लाइए, लेकिन एक बार में क्लास 10-12 को निकलने का कोशिश कीजिए। हम तो यही कहेंगे, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे चल के हर एक सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ आपको काम आएगी। और हमेशा याद रखिए, दिमाग में ये बात याद रखिएगा, आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है, आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग में यह मत रखिए कि मेरे पास सारा टाइम तो स्पेंड हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ठान ले तो। मैं वीडियो बनाने के बाद में, आप इसको देखने के बाद में यह मत सोचिए कि इसको काट देने के बाद है छोड़ ना, जो होगा देगा है छोड़, ठीक है छोड़िए, हमें क्या है। मेरा काम था वीडियो बनाना, आपको इन्फॉर्म करना, आपको एडवाइस देना, मैंने दे दिया। लेकिन कम से कम आप उन स्टूडेंट लोगों को कम से कम लाइफ सेव कीजिए, जो आपका फ्रेंड है, जिसको नेगेटिव दिमाग में ज़्यादा भरा हुआ है, डर लगा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है कि क्या होगा एग्ज़ाम में अगर पास नहीं होंगे, भैया डरा दिए हैं, पेरेंट्स लोग, यहाँ तक फ्रेंड लोग हमें मजाक उड़ाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज़ सर्टिफिकेट ही फ्यूचर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक कागज़ मिल जाएगा तो क्या आपको लग रहा है कि आप 30 मार खान बन जाइएगा? एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बड़ा मायने रखता है। 30-40% लाकर भी कोई, बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट हैं जो जीवन में सक्सेस होते हैं। 70-80-90% वाले लोग भी सक्सेस होते हैं, लेकिन दिमाग में मार्क्स आपका डिपेंड नहीं करता है कि आपका कैरियर किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, बस थोड़ा में ही मैं बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन इसको फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम किसी तरह से एनी हाउ निकलना है,
ओके, मैं आपका फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा एग्जामिनेशन टाइम, मन लगा के पढ़ूँगा।